कांडा पुलिस ने दो बहनों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को 24 घंटों के भीतर रावतसेरा से गिरफ्तार किया। यहां बता दें कि दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को दो लड़कियां खेत में काम कर रही थी और उसी दौरान भगवान सिंह पुत्र आन सिंह ने पीछे से आकर दोनों बहनों के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी तथा उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दिनांक 24 नवंबर 2020 को उनके द्वारा पुलिस थाने में लिखित तहरीर दी गई और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बनाम भगवान सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और थाना अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने अपनी टीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पेश है सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। कांडा थाने की ये घटना है जिसमें एक व्यक्ति भगवान सिंह दो लड़कियों के साथ जब वो खेत में काम कर रही थी छेड़खानी और अभद्रता की और उसे जान से मारने की धमकी दी। जब उन लड़कियों ने चिल्लाया तो आसपास के लोग आ गए और ये भाग गया। थाने में तहरीर प्राप्त हुई, अपराध पंजीकृत हुआ, उसके पश्चात इसकी खोजबीन की गई। ये गाँव से भाग गया था, पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से इसे गिरफ्तार किया और आज इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नशे में था और नशे में रहकर इसने पहले भी ऐसा कई बार काम किया होगा, लेकिन पूछताछ में इसने इस तरह से बताया नहीं। लेकिन गांव वाले ये बताएं कि यहाँ पर नशे में ये सब ऐसे काम करता है, लेकिन पहली बार इसके खिलाफ थाने में तहरीर हुई क्योंकि मुझे भी सूचना आई, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आप थाने में जाइए और मुकदमा पंजीकृत कराइए, अपराध पंजीकृत हुआ और इसे गिरफ्तार किया गया। जो लोग इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनका सबका अपना स्वार्थ होगा। हम ये जानते हैं कि नशा मुक्त बागेश्वर एक अच्छा लक्ष्य है पुलिस के लिए और जिसमें बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी इस तरह साथ मिलता रहेगा और अपने लक्ष्य को पूरा करने में हम समर्पित रहेंगे।